देखो पिछले महीने का कार सेल्स रिपोर्ट सामने निकलकर आया है, उसमें कुछ कारें ऐसी भी है जिन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से परफॉर्म किया है पूरे इंडिया में, लेकिन कुछ कारें ऐसी भी है जिनसे बहुत सारी उम्मीदें थी बहुत सारे लोगों को, लेकिन वो उम्मीदों पर खरी नहीं टिक पाई। तो वो क्या चीज़ें हैं उसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे, लेकिन ये वीडियो होने वाला है टॉप 25 मोस्ट सेलिंग कारों के ऊपर, यानी जनवरी 2022 में वो कौन सी 25 कारें हैं जो कि सबसे ज़्यादा बिकी है पूरे इंडिया में। जो 25th पोजीशन पर कार आई है वो है होंडा की सिटी। पिछले महीने होंडा सिटी के 3950 यूनिट्स बिके हैं पूरे इंडिया में, और एक यूनिट का मतलब होता है एक कार, तो 3950 कारें बिकी हैं होंडा सिटी के पूरे इंडिया में पिछले महीने। हालांकि होंडा की ये मोस्ट सेलिंग कार है, इसको बहुत ज़्यादा पसंद भी किया जाता है सीडान सेगमेंट में, और इसके अंदर फीचर्स भी आपको अच्छे खासे देखने को मिल जाएंगे, लेकिन बहुत जल्दी होंडा कंपनी इसके अंदर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी लाने वाली है जिसके बाद इसका सेल्स रिपोर्ट और ज़्यादा इम्प्रूव हो सकता है। वहीं जो 24th पोजीशन पर कार आई है जिसको टॉप 10 में होना चाहिए था वो है महिंद्रा की XUV700। पिछले महीने XUV700 के 4119 यूनिट्स बिके हैं पूरे इंडिया में, लेकिन इसको टॉप 10 में होना चाहिए था। हालांकि इसके कम सेल्स रिपोर्ट में जो सबसे बड़ा रीजन है वो है सेमीकंडक्टर का शॉर्टेज। महिंद्रा कंपनी इसके डिलीवरी नहीं दे पा रही है, उसके वजह से इसके बहुत ही कम यूनिट्स बिक रहे हैं पूरे इंडिया में, लेकिन इसको बुकिंग्स काफी ज्यादा मिले हैं। लेकिन एक टेक्नोलॉजी की वजह से महिंद्रा कंपनी इस कार को बेच नहीं पा रही है पूरे इंडिया में। जब भी ये सेमीकंडक्टर शॉर्टेज का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा तो डेफिनेटली XUV700 टॉप 10 कार लिस्ट में आ जाएगी। वही जो 23rd पोजीशन पर कार आई है पिछले महीने वो है टाटा की अल्ट्रोज। अल्ट्रोज एक प्रीमियम हैचबैक कार है, इसको स्टार्टिंग में बहुत ही बढ़िया रिस्पांस मिला था पूरे इंडिया में, लेकिन इसके जो सेल्स रिपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गए हैं जब से टाटा ने पंच को इंडिया में लॉन्च किया है। पिछले महीने टाटा अल्ट्रोज के 4525 यूनिट्स बिके हैं पूरे इंडिया में, और इसका जो सेल्स है वो थोड़ा सा नीचे आ रहा है दिन पर दिन। वही जो 22nd पोजीशन पर कार आई है पिछले महीने वो है XUV300। पिछले महीने XUV300 के 4550 यूनिट्स बिके हैं पूरे इंडिया में, हालांकि इसका जो सेल्स है वो थोड़ा सा इम्प्रूव होता जा रहा है दिन पर दिन। इसके अलावा जो 21th पोजीशन पर कार आई है वो है महिंद्रा की थार, और इसकी भी डिमांड बहुत ज़्यादा है आज के डेट में। हालांकि इसके ऊपर आपको लगभग एक साल का वेटिंग पीरियड देखने को मिल जाएगा, इसके अंदर फीचर्स भी कमाल के ऑफर करे हैं महिंद्रा कंपनी ने। पिछले महीने महिंद्रा थार के 4646 यूनिट्स बिके हैं पूरे इंडिया में, हालांकि ये नंबर थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन आपको पता है सेमीकंडक्टर शॉर्टेज की वजह से महिंद्रा को भी ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। वही जो 20th पोजीशन पर कार आई है वो है टाटा की टियागो। ये एक एंट्री लेवल हैचबैक कार है, इसको पहले बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता था, लेकिन आज के डेट में इसका सेल्स रिपोर्ट थोड़ा सा नीचे आ रहा है। इसके पीछे रीज़न है टाटा की पंच जिसको रिसेंटली इंडिया में लॉन्च किया गया है, उसकी वजह से इसके सेल्स रिपोर्ट पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट भी पड़ा है। लेकिन पिछले महीने टियागो के 5195 यूनिट्स बिके हैं पूरे इंडिया में, इसके अंदर भी काफ़ी कमाल के फीचर्स दिए जाते हैं, और सेफ्टी में टियागो को 4-स्टार रेटिंग्स भी मिले हैं। वहीं जो 19th पोजीशन पर कार आई है पिछले महीने वो है होंडा की अमेज। पिछले महीने होंडा अमेज के 5395 यूनिट्स बिके हैं, और इसके सेल्स में इम्प्रूवमेंट देखी जा सकती है। हालांकि होंडा की अमेज इतनी भी नहीं बिकती पूरी इंडिया में, लेकिन पिछले महीने इसको काफी अच्छा रिस्पांस मिला है। वही जो 18th पोजीशन पर कार आई है वो है मारुति सुजुकी की एस्प्रेसो। इसका सेल्स रिपोर्ट काफी ज्यादा नीचे आ चुका है, उसके पीछे बहुत सारे रीजन है, सेफ्टी भी एक मेजर रीजन हो सकता है। पहले ये बहुत ज्यादा बिकती थी, लेकिन इसका जो सेल्स है आज के डेट में वो बहुत ज्यादा नीचे आ रहा है। पिछले महीने एस्प्रेसो के 6292 यूनिट्स बिके हैं पूरे इंडिया में। वही जो 17th पोजीशन पर कार आई है वह है हुंडई की i20। हालांकि इसके जो सेल्स है वो बहुत ज़्यादा नीचे है, मतलब जितनी एक्सपेक्टेशंस थी इस कार से उस तरीके से ये कार इंडिया में परफॉर्म नहीं कर रही है। बहुत ही ओवर प्राइस के साथ इसको इंडिया में लॉन्च किया गया, हालांकि उस प्राइस रेंज में आपको बाकी के अच्छे खासे ऑप्शंस भी देखने को मिल जाएंगे, उसी वजह से यहाँ पर मतलब इसका जो सेल्स है वो बहुत ज़्यादा नीचे रहता है, और i20 पहले की तरह बिल्कुल भी नहीं बिकती पूरे इंडिया में। लास्ट मंथ i20 के 6505 यूनिट्स बिके हैं पूरे इंडिया में। वही जो 16th पोजीशन पर कार आई है वो है मारुति सुजुकी बलेनो। एक समय ऐसा था कि बलेनो का जो सेल्स था वो बहुत ज़्यादा होता था, यानी ये टॉप 3 पोजीशन पर आती थी, लेकिन आज के डेट में ये 16th पोजीशन पर जा चुकी है। लास्ट मंथ बलेनो के 6791 यूनिट्स बिके हैं पूरे इंडिया में, और इसके कम यूनिट्स बिकने में सबसे जो मेजर रीज़न है वो है फेसलिफ्ट इसका। इसका फेसलिफ्ट बहुत जल्दी इंडिया में लॉन्च होने वाला है, अगले महीने इसको इंडिया में लॉन्च किया जाएगा, उसके अंदर काफ़ी बड़े अपडेट्स किए जाएंगे, तो बहुत सारे लोग उसके लिए वेट कर रहे हैं। वो लॉन्च होने के बाद उसका सेल्स रिपोर्ट डेफिनेटली इम्प्रूव हो सकता है। वही जो 15th पोजीशन पर कार आई है वो है हुंडई की i10। हालांकि ये भी टॉप 10 लिस्ट में आती थी पहले, लेकिन आज के डेट में ये टॉप 15 पर आ चुकी है, तो इसके भी सेल्स बहुत ज़्यादा नीचे आ चुके हैं। पिछले महीने i10 के टोटल 6840 यूनिट्स बिके हैं पूरे इंडिया में,
तो इसके भी सेल्स रिपोर्ट में हमें गिरावट देखने को मिल चुकी है। वहीं जो 14th पोजीशन पर कार आई है वो है किया की सोनेट। ये भी टॉप 10 लिस्ट में थी पहले, लेकिन इसका भी सेल्स बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, क्योंकि सेफ्टी एक मेजोरिटी रीजन हो सकता है, क्योंकि आज के डेट में बहुत सारे लोग सेफ्टी को प्रायोरिटी देते हैं। सोनेट के टोटल 6904 यूनिट्स बिके हैं लास्ट मंथ यानी जनवरी 2022 में। वही जो 13th पोजीशन पर कार आई है वो है मारुति सुजुकी सेलेरियो। रिसेंटली इसका न्यू जनरेशन वेरिएंट इंडिया में लॉन्च हो चुका है, जिसके बाद इसके सेल्स में थोड़ी सी ग्रोथ देखी जा सकती है। लास्ट मंथ सेलेरियो के 8279 यूनिट्स बिके हैं पूरे इंडिया में, तो यहाँ पर थोड़ी सी ग्रोथ देखी जा सकती है। वही जो 12th पोजीशन पर कार आई है वो है मारुति सुजुकी की ब्रेजा। ये भी कभी टॉप 10 लिस्ट में आती थी, लेकिन अब ये 12th पोजीशन पर आई है। पिछले महीने इसके 9576 यूनिट्स बिके हैं पूरे इंडिया में, तो यहाँ पर इसके सेल्स में गिरावट देखी जा सकती है। इसका भी न्यू जनरेशन मॉडल बहुत जल्दी इंडिया में लॉन्च होने वाला है, उसके अंदर आपको काफ़ी कमाल के फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, और मारुति सुजुकी कंपनी इसके बिल्ड क्वालिटी के ऊपर भी काम कर रही है। जो 11th पोजीशन पर कार आई है वो है हुंडई की क्रेटा। लास्ट मंथ क्रेटा के 9869 यूनिट्स बिके हैं पूरे इंडिया में। इसका भी फेसलिफ्ट मॉडल 2022 में इंडिया में लॉन्च होने वाला है, जिसका लुक काफ़ी ज़बरदस्त है, उसके अंदर आपको हुंडई टक्सन वाला एक्स्ट्रा लुक मिलने वाला है। वही जो 10th पोजीशन पर कार आई है वो है टाटा की पंच। इसको भी काफ़ी बढ़िया तरीके से रिस्पॉन्स मिल रहा है पूरे इंडिया में, मतलब एक माइक्रो एसयूवी कार के तौर पर ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। पिछले महीने टाटा पंच के 10027 यूनिट्स बिके हैं पूरे इंडिया में, यानी 10,000 से भी ज़्यादा टाटा पंच बिकी है पूरे इंडिया में, तो यहाँ पर इसके सेल्स में ग्रोथ देखी जा सकती है। इसके अलावा जो 9th पोजीशन पर कार आई है वो है मारुति सुजुकी की इको। इको के टोटल 10,528 यूनिट्स बिके हैं पूरे इंडिया में जनवरी 2022 में। आज मेरे से रिकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं हो रही है, ये बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है, ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है, बहुत ज़्यादा। जो 8th पोजीशन पर कार आई है लास्ट मंथ वो है हुंडई की वेन्यू। वेन्यू के टोटल 11,317 यूनिट्स बिके हैं पूरे इंडिया में लास्ट मंथ, इसको भी अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल रहा है। वेन्यू एक सब 4 मीटर सेगमेंट वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी कार है, जिसके अंदर आपको अच्छे खासे फीचर्स भी देखने को मिल जाएंगे। जो 7th पोजीशन पर कार आई है वो है किया की सेल्टॉस। सेल्टॉस के सेल्स रिपोर्ट में थोड़ी सी ग्रोथ देखी जा सकती है, और पिछले महीने सेल्टॉस के 11,483 यूनिट्स बिके हैं पूरे इंडिया में। जो 6th पोजीशन पर कार आई है वो है मारुति सुजुकी की अर्टिगा। अर्टिगा अच्छी खासी बिकती है पूरे इंडिया में, लेकिन बहुत जल्दी टोयोटा कंपनी अर्टिगा का रिबैज वर्जन इंडिया में लॉन्च करने वाली है रूमियन नाम से। उसके बाद इसका सेल्स रिपोर्ट ऊपर जाता है या फिर नीचे आता है, ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन पिछले महीने अर्टिगा के 11,847 यूनिट्स बिके हैं पूरे इंडिया में। वहीं जो 5th पोजीशन पर कार आई है वो है मारुति सुजुकी की अल्टो। इसका भी नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट बहुत जल्दी इंडिया में लॉन्च होने वाला है, लेकिन पिछले महीने इसके अच्छे खासे सेल्स हुए हैं। अल्टो के टोटल 12,342 यूनिट्स बिके हैं पूरे इंडिया में, लेकिन एक समय ऐसा भी था जहां पर मारुति सुजुकी अल्टो टॉप 3 पोजीशन में आती थी। अल्टो के पिछले महीने 12,342 यूनिट्स बिके हैं पूरे इंडिया में। वही जो 4th पोजीशन पर कार आई है वो है टाटा के नेक्सॉन। नेक्सॉन एक कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर एसयूवी कार है, इसके अंदर भी आपको काफ़ी बढ़िया फीचर्स मिलने वाले हैं। सेफ्टी के तौर पर इसको 5-स्टार रेटिंग्स भी मिले हैं, तो आज के डेट में नेक्सॉन को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। लेकिन पिछले महीने नेक्सॉन के 13,816 यूनिट्स बिके हैं पूरे इंडिया में, तो यहाँ पर नेक्सॉन को काफ़ी बढ़िया तरीके से रिस्पॉन्स मिल रहा है। लेकिन जो 3rd पोजीशन पर कार आई है वो है मारुति सुजुकी डिज़ायर। डिज़ायर के लास्ट मंथ 14,967 यूनिट्स बिके हैं पूरे इंडिया में, इसको भी अच्छा खासा डिमांड है। लेकिन जो 2nd पोजीशन पर कार आई है वो है मारुति सुजुकी की स्विफ्ट। लास्ट मंथ स्विफ्ट के 19,108 यूनिट बिके हैं पूरे इंडिया में, यानी 19,000 स्विफ्ट बिकी है पूरे भारत में लास्ट मंथ यानी जनवरी 2022 में, तो इसको काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है पूरे इंडिया में। इसके अंदर आपको माइलेज भी मिलने वाला है और बहुत सारे लोगों को इसका लुक भी पसंद आ जाता है। वहीं जो 1st पोजीशन पर कार आई है वो है मारुति सुजुकी की वैगनआर। आज के डेट में वैगनआर की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। पिछले महीने वैगनआर के 20,334 यूनिट्स बिके हैं पूरे इंडिया में, और इसके अंदर बहुत जल्दी अपडेट भी आने वाला है, शायद इस महीने इसके अंदर हमें अपडेट देखने को मिल सकता है, उसके बाद इसके सेल्स रिपोर्ट और ज़्यादा इम्प्रूव हो सकते हैं। तो ये टॉप 25 कारें थी जो कि पिछले महीने पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकी है, तो यहाँ पर इनमें से आपकी कौन सी फेवरेट कार है मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। हालाँकि मेरा ये जो थ्रोट है ना बहुत ज़्यादा पेन कर रहा था बीच बीच में, मतलब अभी भी कर रहा है, और अगर ये वीडियो मैं कल अपलोड कर देता तो व्यूज़ बिल्कुल भी नहीं आते, तो इसीलिए टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये वीडियो मुझे कंप्लीट करना पड़ा पेन के साथ। चलो कोई बात नहीं यार, वीडियो अगर अच्छा लगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बिल्कुल चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कर लेना।